ओम जी सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य शिवू योगा आयुर्वेदा पर। और आज हम करेंगे 30 डिग्री पर अपने दोनों पैरों को मिलाकर स्थिर करने का। हाथों को दबाकर रखें अपने शरीर के नीचे, कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाकर 30 डिग्री पर लाकर। सिमी जी ज़्यादा ऊंचा है, थोड़ा नीचे करो, 30 डिग्री, थोड़ा सा और रोके रखो, रोके रखो। और ये महसूस करो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, लटकता हुआ पेटू, बढ़ा हुआ पेट, इसके बार बार अभ्यास करने से ठीक होना शुरू हो जाता है। और ना भी से नीचे के अंग जो भी हमारे हैं वे इससे स्वस्थ हो, जो भी उनमें व्याधियाँ बीमारियाँ हैं वो सारी बीमारियाँ भागनी शुरू हो जाती हैं। धीरे से नीचे रखें, आराम से रखेंगे, एडियो को पटके नहीं तो एडियो में दर्द हो जाता है। फिर एक बार और करेंगे इसी को, एक होल्ड रखें, होल्ड रखें, चलो चलो उधर, तो दोगी भी परेशान करते हैं, एक दो तो ऐसे हैं यहीं बैठे रहते हैं, पूरी योग क्लास हो जाती है। धीरे से वापिस, अब 30 डिग्री उठाएंगे, फिर 60 डिग्री लेके जाएंगे पैरों को, एक दो, 60 डिग्री ले जाकर होल्ड करें, थोड़ा सा और नीचे करो, और नीचे जरा सा, हाँ ये 60 है। सुनहरी जी आप थोड़ा सा और ऊपर करें, सिमी जी हाँ, और खींच दें पंजे को पीछे की साइड पूरा, और फिर देखो खिंचाओ पेटू पर कितना खिंचाव पड़ता है, होल्ड करें, धीरे से वापिस, बिल्कुल वापिस 30 डिग्री, 30 पैर नीचे नहीं रखने हैं, 30 में फिर ऊपर। अब गिनती के साथ करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चार तीन दो एक, धीरे से वापिस। इसके करने से हमारा लटका हुआ पेटू, बढ़ा हुआ पेट, मोटी कमर सब सुंदर और आकर्षित हो जाती है, फैट पिघलने लग जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा है, इसमें वीडियो में थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, मगर इसको समय ज़्यादा दें तभी फायदे होंगे। तो सभी बहनों को ओम, मिलते हैं फिर किसी और नई अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी बहनों को राम राम, ओम जय राम जी की।